जय मसीह जीसस थ्रू आउट द बाइबल एपिसोड 19 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नीति वचन में प्रभु यीशु मसीह कौन है। नीति वचन में प्रभु यीशु मसीह हमारा ज्ञान है। यदि हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 1:7 में लिखा गया है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। दूसरे ट्रांसलेशन में यदि हम देखते हैं यहोवा का आज्ञाकारी बनना, यहोवा का वचन का आज्ञाकारी बनना, वचन को मानना जो है बुद्धि का मूल है या बुद्धि का आरंभ है। यदि हम देखते हैं हमारे जीवन में या इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे ज्ञान है। यदि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने पिता का आज्ञाकारी बना। वचन में लिखा गया है कि फिलिपियों अध्याय 2:8 में ऐसा लिखा गया है कि और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। प्रभु यीशु मसीह जो है अपने पिता की आज्ञाकारी बना और उन्होंने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने बचपन को देखते हैं, लूका अध्याय 2:46-47 में लिखा गया है कि तब यीशु मसीह 12 साल के थे, वो बड़े शास्त्रियों के साथ बैठकर बात करते थे और सवाल पूछते थे। वो लोग जो है यीशु मसीह को ज्ञान को देखकर वो लोग सरप्राइज होते थे। और 2:52 में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह जो है दिन प्रतिदिन ज्ञान में बढ़ता गया। यदि हम 1 Corinthians 1:30 में देखते हैं, पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमें दिया गया, परमेश्वर के ओर से हमें दिया गया ज्ञान है। यदि हम कोलोसियों 2:3 को हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है कि जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। बुद्धि और ज्ञान का सारे भंडार किसमें छिपे हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह में। तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए वो परमेश्वर के ओर से दिया गया ज्ञान है। तो यदि हम नीति वचन को देखते हैं तो नीति वचन जो है परमेश्वर के ज्ञान पेपर के रूप में या लिखित रूप में हमें दिया गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए परमेश्वर के ओर के परमेश्वर से ओर से हमारे लिए दिया गया शरीर में आया ये ज्ञान है। वो हमारे लिए यदि यीशु मसीह हमें मिल गया तो हमें सारे ज्ञान हमें मिल गया, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम परमेश्वर के ज्ञान को हम जान सकते हैं। क्योंकि यदि हम मत्ती में भी यदि हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये राज्य का रहस्य जो है दिया नहीं गया, लेकिन आप लोग के लिए दिया गया क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बुद्धि और ज्ञान का भंडार है जो परमेश्वर के ओर से मिला हुआ है। तो हम भी परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह का वचन पे बने रहने के द्वारा। क्योंकि नीति वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर की भय मानना या परमेश्वर के आज्ञा मानना जो है बुद्धि का मूल्य। प्रभु यीशु मसीह केवल ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान देने वाला भी है। याकूब का पुस्तक अध्याय 1:5 में ऐसा लिखा है कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि का घटित है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है केवल ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान देता भी है। तो यदि हमें यदि लगता है कि परमेश्वर के ज्ञान की कोई कमी है, हम प्रभु यीशु मसीह से मांग सकते हैं। वो कोई उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं रखता है, नहीं इतना ही तुम्हें देगा, ऐसा नहीं, वो उदारता से देने वाला है। तो नीति वचन में प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे ज्ञान है जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग इस वचन से आशीषित है। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।